स्वागत है आपका मेरी किचन में, यानी कि सारिका की किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे मलाई कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। देखिए, ये देखने में जितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगे। अच्छा, आपको एक बात बताएं मलाई कोफ्ते के बारे में, इसमें मलाई बिल्कुल नहीं होती, पर ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनका नाम मलाई कोफ्ता कहा जाता है। इसीलिए घर में जो भी बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, उनको भी आप इनको बेहिचक खाने के लिए दे सकते हैं। जो मुंह में दांत ना हो तो भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही आराम से ले सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, तो चलिए देखते हैं फिर। यहाँ पे ये करीब 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसको अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेटर में घिस भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ये मैं उबला हुआ आलू यहाँ पे ले रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। इसको उबाल कर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे करीब 50 ग्राम इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून या फिर स्वाद के अनुसार लाल मिर्च, थोड़ी सी एकदम लाल मिर्च इसमें डालनी है जरा सी। और इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक डालना है, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इन सब चीजों को अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसको ऐसे बॉल्स बना करके देखेंगे ये अच्छे से बॉल्स बन रही हैं कि नहीं। थोड़ा सा मुझे कॉर्नफ्लोर कम लग रहा है, हम क्या करेंगे 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर और डाल के ऐड कर देते हैं। तो टोटल इसमें हमने 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। ये हमारा मिक्सचर अब तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के लिए क्या करना है, ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे गैप बनाएंगे, थोड़ा अंगूठे से दबाते हुए। मैंने यहाँ पर किशमिश ली है, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, चिरौंजी, काजू, बादाम, जो भी आपको डालना हो आप इसमें डाल सकते हैं। नॉर्मली चिरौंजी डाली जाती है, अच्छी लगती है। हम अच्छे से बराबर करते हुए, ताकि हमारे जो ये कोफ्ते हैं वो फूटे नहीं, इसको अच्छे से बना लेते हैं। एकदम राउंड शेप में आप चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं। मैंने इसको हल्का सा दबा करके बेलन के शेप में बनाया है, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे ही सारे कोफ्ते अब बॉल्स तैयार कर लेते हैं। पहले ये देखिए, ये बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके एक एक बॉल डालेंगे। अच्छा, ये बात ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा एक साथ में नहीं डालने हैं, एक साथ में हम 3 या 4 ही तलेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन तल लेते हैं। बीच बीच में से पलटते रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो फूटने का डर रहता है। ऐसे ही हम इसे गोल्डन ब्राउन तल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते अच्छे से तल चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के कोफ्ते भी हम इसी तरीके से तल लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर 1/2 छोटी कटोरी काजू लिए थे, उनको की 1/2 छोटी कटोरी दूध में हमने ऐसे भिगो करके रख दिया है, 10 मिनट से भिगे हुए हैं। हम इन्हें ले लेते हैं। साथ ही
यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। इन्हें भी हम इसमें डाल करके, चलिए हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करके लाते हैं। ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार है। अब चलिए हम सब्जी को छौंक लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर डालते हैं। जब ये हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और यहाँ पे इसमें मैं इस कटोरी के मेजर से या इस बाउल के मेजर से 3/4 कप टोमेटो प्यूरी ऐड कर दें। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा भून लेते हैं इसे। देखिए ये प्यूरी जो होती है वो पहले से ही काफी पकी हुई होती है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी हमें इंस्टेंट ग्रेवी बनानी होती है या फिर सब्जी बनानी होती है तो हम प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यूरी घर में कैसे बना के रखनी है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, जिससे आप बाजार जैसी प्यूरी अपने घर में बना करके साल भर के लिए स्टोर करके आप रख सकते हैं। बस ये हमारी प्यूरी, इसमें देखिए थोड़े थोड़े बॉइल्स आने लगे, बबल्स आने लगे। अब हम इसमें 1/4 कप, ये छोटी कटोरी से ही नापा है मैंने, ये मेरा मेजरमेंट है अभी, इसमें मैंने खोया डाला है यानी कि मावा डाला है। अब हम इसे ऐसे ही मैश करते हुए जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे तब तक के भून लेंगे। ये देखिए इसमें साइड साइड से इसमें घी छोड़ने लगा है। ये इसको भूनते हुए करीब मुझे 5 मिनट ही हुए हैं। अब हम इसमें ये जो हमने प्यूरी तैयार करी थी अपनी, ये भी इसमें डाल देते हैं, काजू का पेस्ट वगैरह जो भी है ये, और अब हम इसे फिर से अच्छे से भून लेते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। बाकी मसाले याद रखिए कि हमने कोफ्ते के अंदर भी डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें हमें नहीं ऐड करने हैं। और साथ ही जो इसकी ग्रेवी होती है मलाई कोफ्ते की, वो थोड़ा सा स्वीट टच में होती है, थोड़ा सा मीठे टच में होती है, तो वो भी आप ध्यान सकते हैं। हालांकि आप जब घर पे बना रहे हैं तो आप इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। अदरवाइज जनरली जो होता है मलाई कोफ्ते की ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी स्वीट टच में ही होती है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक हमने कोफ्तों का में ही ऐड किया हुआ है, तो आप ग्रेवी का और कोफ्तों का नमक ध्यान, 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। आप कोफ्तों के साथ में एडजस्ट करते हुए डालिएगा क्योंकि हमने कोफ्ते में भी डाला हुआ है। हमारे मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। आपको जितना गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी पक करके बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसको सर्व कैसे करना है उसका भी एक अलग तरीका होता है। कोफ्ते अभी हमें इसमें नहीं ऐड करने हैं, मैं बताती हूँ आपको कोफ्ते कैसे सर्व करने हैं। इसके लिए क्या करना है, पहले आपको जिस सर्विंग प्लेट या डिश में जिसमें भी सर्व करना है उसमें थोड़ी सी ग्रेवी निकाल लीजिए और फिर इसके ऊपर से सर्व करते समय ही डालने हैं, पहले से डाल के नहीं रखने हैं। इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी ऊपर से डाल देते हैं, डेकोरेट करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ में। और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे अपने ग्रीन कोरिएंडर्स के साथ। लीजिए आपका स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता घर में बन करके बिल्कुल तैयार है। इसको बनाइए, इसके मजे लीजिए और आप मुझे भी बताइए कि ये आपको कैसा लगा। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ।
आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।